नमस्कार साथियों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई जी। हाँ, यूके जाने वालों के लिए आपको वीजा लेते हो तो भाई आपको एक अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। वीजा लेने के लिए एम्बेसी में जाना पड़ता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक होता है। उसमें एक एम्बेसी की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है और उन्होंने बताया कि भैया बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने बयान में बताई है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई यूके के लिए आप लोगों को एजेंटों को लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है, कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है अगर आप यूके का वीजा अप्लाई करते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया से मैं बता दूं, साल के अगर एवरेज देखा जाए ना तो 8 लाख से ज्यादा लोग हैं जो ब्रिटेन का वीजा अप्लाई करते हैं हर साल। 8 लाख से ज्यादा, जी हां, 8 लाख से ज्यादा इंडियन लोग हैं जो यूके जाना चाहते हैं। उनको सबको भाई वीजा लेना पड़ता है, चाहे वो छोटे से छोटा कम पढ़ा लिखा हो या हाईएस्ट, चाहे वो कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, उनको वीजा लेना पड़ता है। वीजा के लिए आपको पता है अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है, यानी वीजा आप किसी भी प्रकार का वीजा लोगे तो अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा एम्बेसी का, तभी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, वीजा लगता है। कई वीजाओं में तो आपका बायोमेट्रिक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज निकल के आई है कि भैया एजेंट लोग क्या करते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर अच्छी खासी अभी ठगी चल रही है। अब ठगी कैसे चल रही है इस पर भी आपको गौर करने की बात है। एजेंट लोग क्या करते हैं कि बोलते आप खुद अपने ट्राई करते हैं अपने स्तर पर कि भैया अपॉइंटमेंट लेना है या स्लॉट आपको बुक करना है तो आप कैसे करोगे। अब आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ तो वेबसाइट पर आपको स्लॉट नहीं मिल रहा, यानी डेट नहीं मिल रहा इंटरव्यू का, तो उस विभाग पर आप क्या करना चाहोगे। अब इसमें एक भैया दलालों ने एक सिस्टम निकाल लिया कि दलालों ने एक सिस्टम यह कर लिया कि अब वो लोग क्या करते हैं कि सब जितने भी जो ओरिजिनल स्लॉट होते हैं, जो बुकिंग होती है ना कि भैया इंटरव्यू के लिए बुक है इस महीने में इतने हैं, वो लोग पूरा अपने हिसाब से बुक कर लेते हैं। क्योंकि ये जो आपने साफ दिख रहा होगा कि ब्रिटेन का वीजा अपॉइंटमेंट मुफ्त मिलता है, अब मुफ्त में एजेंट लोग क्या करते हैं कि ये लोग भैया जैसे मान लो एक महीने में 5,000 स्लॉट आपको एम्बेसी दे रही है, तो ये लोग पूरे के पूरे बुक कर लेते हैं। और बुक करने के बाद में जितना कोई एजेंट 100 कर लेता है, कोई 200 कर लेता है, और उसके बाद में आप उस वेबसाइट पर जाओगे ब्रिटेन जो यूके की ओरिजिनल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहां पर आपको दिखेगा कि यार यहाँ तो बुकिंग स्लॉट नहीं मिल रहा, आप क्या करोगे। तो आपके सामने दिक्कत आ जाती है कि भैया वीजा ले तो कैसे ले, अपॉइंटमेंट ले तो कैसे ले। फिर ये जो एजेंट लोग है ना, ये सिस्टम निकाल रखा है भैया इसने बुकिंग के लिए, मैं भी मेरे सामने भी ये बात हुई है लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। यूके का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉन्टेक्ट करें अलग अलग देशों के ना, तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब वो लोग ऐसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक एक अपॉइंटमेंट का आप यकीन करिए 1-1 लाख रुपए तक आपसे वसूल लिया जाता है, जबकि भाई साहब मुफ्त में मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। ये मान लो एक तरीके से रिश्वतखोरी, जमाखोरी समझते हैं कि भैया बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अब वो कहीं नहीं मिलेगा तो लोग आपसे खरीदेंगे, आप उसका 1-2 पैसा लोगे, 1-2 रुपए लोगे, कई लोग तो ज्यादा भी ले लेते हैं। तो ये फ्री के माल का, फ्री के अपॉइंटमेंट का 1-1 लाख रुपए तक लोगों से लिया जा रहा है। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बचने की जरूरत है, वसूली भी कर रही है एजेंट, इसी के नाम से अच्छा खासा पैसा लूटा जा रहा है। क्योंकि मुफ्त, आपको सबको पता है कि एम्बेसी मुफ्त में देती है, कोई चार्ज नहीं लेती है, लेकिन एजेंट है ना वो सर्विस के लिए भी आपसे पैसा लेता है। अब पैसा कैसे लेता है कि मान लो आप किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं कि एजेंटों से कि भाई मुझे यूके का वीजा लगवाना है, प्रोफाइल फाइल के नाम से 2,000-3,000 से लेकर 8,500 रुपए तक लोग पैसा ले लेते हैं, जैसा कि यहां इस रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आई है। जबकि अपॉइंटमेंट का पैसा तो अलग है, 2,000-5,000 रुपए तो आपका फॉर्म भरने तक का ले लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता है तो वो पैसा आराम से दे भी दे देते हैं। ब्रिटेन का तो विदेश मंत्रालय है, उनकी एक जांच में खुलासा हुआ इस बात का, आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने ये बताया कि भैया जो दलाल है ना, विदेशी जो वर्कर होते हैं वीजा के लिए या स्टूडेंट होते हैं, उनको सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। और उसमें दिक्कत ही आ जाती है, जो आदमी मान लो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए यूके में रुकना चाहता है ब्रिटेन में, उसके लिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि उसको बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, और इसके लिए उसको एम्बेसी में जाना पड़ता है, यूके की एम्बेसी में फोटोग्राफ हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, उनको खुद का इंटरव्यू होता है, तो वहां आपको पेश होना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यानी स्लॉट। अब स्लॉट आपको मिलेगा नहीं। वीजा एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए आपको पता है ब्रिटेन ने, गृह मंत्रालय ने VFS उनको भी हायर कर रखा है, आप चाहो तो उनसे भी ट्राई कर सकते हैं, ग्लोबल कंपनी को आउटसोर्स के तौर पे उनको अपनी तरफ से सेट कर, उनका एक अग्रीमेंट कर रखा है कि भैया आप उनसे लो। लेकिन दलालों की दिक्कत ये होगी भैया कि वहां पे स्लॉट बुक करना असंभव है। अब असंभव का मतलब ये है कि सबके सब वो ले रहे हैं तो आपको फिर मिलेगा नहीं, लोग बेचारे रात भर इंतजार करते रहते हैं, उनको स्लॉट मिलता नहीं क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा ले लिए। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट और जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनकी आती है, कोरोना के बाद में ये समस्या सबसे ज्यादा आने लगी क्योंकि वीजा अपॉइंटमेंट के में बैकलॉग बहुत ज्यादा आ गया, यूके यूएसए कनाडा वगैरह साथ में, तो इन चीजें से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको वहां पे जाना होता है, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको भी वहां पे उनकी मजबूरी होती है, जल्दी पहुंचना होता है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है। और ब्रिटिश सरकार की आपको पता है भैया इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो कंट्रोल करने की है, कभी इधर उस देश को कंट्रोल कर रहे हैं तो उधर उस देश को कर रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में भय होता है कि जल्दी से हम अपॉइंटमेंट लें और वीजा लें और अपने यूके पहुंच जाए। उस चक्कर में भाई एजेंटों को आप यकीन करोगे, यहाँ पे साफ साफ रिपोर्ट दी गई है कि लाखों लाखों रुपए तक लोग देते हैं, मुंह मांगी रकम देने को लोग तैयार होते हैं, इसीलिए भाई लाख रुपए तक एजेंट लोग लेते हैं ये सामने आया, ये हकीकत बात है। दलाल पहले भारत में क्या करते हैं कि वो सभी स्लॉटों को बुक कर लेते हैं, उसके बाद में आ जाओ जी आप वहां पे ट्राई करते रहते हैं, स्लॉट आपको बुक बताते हैं, 6 महीने एडवांस, 3 महीने, 4 महीने, इतना टाइम आपके पास है नहीं, ये लोग फिर आपको फंसाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पे आप लोगों उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे पैसे में डील कर लेते हैं, वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा और वो अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है, उसकी जगह आपको अपॉइंटमेंट दे देता है और मोटा अच्छा खासा। उनको कौन सा अपॉइंटमेंट लेना भाई, उनको कौन सा यूके जाना, उनका तो एक बिजनेस है, उन्होंने ये सेट करके रखा है अपॉइंटमेंट, किसी ने 10 ले लिए, किसी ने 20 ले लिए, किसी ने 30 ले लिए। अगर 1 लाख से 50,000 भी एक बंदा ले रहा है तो आप महीने के मान लो 5-7 लाख
10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, और आप लोगों की मजबूरी होती है भैया स्लॉट तो फुल है, आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, दलाल का ही एक रास्ता बचता है कि आपको ये करना पड़ता है वीजा स्लॉट के लिए, फिर एजेंट को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन बचेगा नहीं, इसके अलावा आप क्या करोगे, तो आपकी ये मजबूरी हो जाती है कि आप एजेंटों को, आपको पता है फ्री है लेकिन पैसा देना पड़ेगा। अब धोखाधड़ी के एक सिक्का, एक स्टूडेंट आया था, उसका एक बयान भी आया था, उसने बताया था कि मैंने फीस जमा करा दी, कॉलेज से अपॉइंटमेंट मिल गया, सब कुछ ओके हो गया, जल्दी मुझे यूके पहुंचना था, मेरे पास स्लॉट नहीं मिल रहा है, जांच की तो पता चला हर बार स्लॉट फुल हो रहा है, मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने एक एजेंट से कॉन्टेक्ट किया, उस एजेंट को मैंने लाख रुपए दिए, तब जाके उसने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया, स्लॉट दिया, और फिर मैंने स्लॉट से मेरा इंटरव्यू क्लियर किया और मैं यूके पहुंचा। तो ये स्थिति है भाई, इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है। हालांकि ब्रिटेन सरकार या ब्रिटिश जो अधिकारी है एम्बेसी के, उन्होंने ये भी बताया कि आप भैया खुद चेक करो, चेक करते रहना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चेक करते रहो हर 1 घंटे 2 घंटे 2 4 5 दिन से कि चेक करते रहोगे, जैसे स्लॉट ओपन होता है तो आप खुद बुक करो, दूसरे के भरोसे नहीं रहो, और ओरिजिनल जो वेबसाइट है यूके की उसी से आपको स्लॉट बुक लेना चाहिए, वरना धोखाधड़ी को आपको बचने की जरूरत है, और गैरकानूनी जो एजेंट है ना उनसे भी बचने की जरूरत है। बीएफएस की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से भी आप चाहो तो बुकिंग करवा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि भैया हम जो इनलीगल एजेंट हैं, जो फर्जी लोग हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी पहचान भी कर रहे हैं और उनको हम ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें टाइम लगता है भाई, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यार कितनों को ब्लैकलिस्ट क्या कर देंगे, उनके उन्होंने कौन सा उनको लाइसेंस देकर रखा है, जो ये काम करते हैं ना वो ये मान लो गलत ही होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि भैया बैकलॉग के चक्कर में एजेंटों को है ना अपॉइंटमेंट का पैसा देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने स्तर पर ट्राई करिए, सावधानी बरतिए, बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।